नमस्कार, स्वागत है आपका एसीएन भारत में और मैं हूं आपके साथ प्रिंसी जैन। महात्मा गांधी यानी कि राष्ट्रपिता पर विवादित टिप्पणी करने वाले कालीचरण को खजुराहो से गिरफ्तार किया जा चुका है। आज सुबह 4 बजे उसे गिरफ्तार किया जा चुका है और उसकी गिरफ्तारी के बाद प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि ये गिरफ्तारी प्रोटोकॉल का उल्लंघन है, इंटर स्टेट गिरफ्तारी प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। कालीचरण का मामला देश भर में गरमाया हुआ है, सियासत गरमा चुकी है, विपक्ष लगातार हमलावर बना हुआ है। गिरफ्तार होते ही कालीचरण के स्वभाव में भी परिवर्तन देखा जा रहा है। जब तक हेकड़ी दिखानी थी दिखाई, अब चुप बैठा है। इसी विषय पर हमारे साथ चर्चा के लिए लोग जुड़ेंगे, पर उसके पहले आप ये कालीचरण का बयान सुनिए जिस पर इतनी सियासत छिड़ चुकी है। गांधी के मामले में अपशब्द बोलने के लिए मुझ पर FIR दर्ज हुई, मुझे उसका कोई पश्चाताप नहीं है। गांधी ने किया क्या है हिंदुओं के लिए, विश्वासघात किया है देश का। और अगर सच बोलने की सजा मृत्यु है तो स्वीकार है। ये महान विश्वासघात भारत की जनता के साथ में गांधी ने किया, इसलिए मेरे हृदय में तिरस्कार है गांधी के प्रति। इस वंशवाद के जनक गांधी हैं, इसलिए गांधी नेहरू खानदान के वंशवाद के जनक हैं, राष्ट्र के जनक नहीं, इसलिए राष्ट्रपिता नहीं है। मैं नहीं मानता, कोई माने उनकी इच्छा। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, ये गाना लिखने वाले को 100 जूते मारने चाहिए। करोड़ों सालों से राष्ट्र है, उसका काय का पिता 200 साल पहले आया हुआ व्यक्ति कैसे पिता बनेगा। अगर पिता बनाना ही है राष्ट्र का अनिवार्य है तो छत्रपति शिवाजी महाराज को बनाना चाहिए, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को बनाना चाहिए, राणा प्रताप जी महाराज को बनाना चाहिए, आचार्य चाणक्य जी को बनाना चाहिए। धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है महात्मा नाथुराम गोडसे जी को, उनके चरणों में साष्टांग नमस्कार है मेरा है उनको। महात्मा गांधी नहीं, महात्मा नाथुराम जी गोडसे हैं। और अगर सच बोलने की सजा मृत्यु है तो स्वीकार है। कि किस तरीके से जब उनकी गिरफ्तारी हुई वो क्या कर रहे थे। गांधी के मामले में अपशब्द बोलने के लिए मुझ पर FIR दर्ज हुई। देखिए किस तरीके से उन्हें लेके जाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ पुलिस खुद मध्य प्रदेश के खजुराहो आई है उन्हें लेने के लिए। इसके बाद नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री मध्य प्रदेश के, उन्होंने भी बयान जारी किया है और कहा है कि ये इंटर स्टेट गिरफ्तारी प्रोटोकॉल का उल्लंघन है, संघीय उल्लंघन है। उस पर उन्होंने क्या कहा है ये भी विवादित बयान है, सुनिए। हमें तरीके पर आपत्ति है छत्तीसगढ़ पुलिस के, यह इंटर स्टेट प्रोटोकॉल का उल्लंघन कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं करना था। संघीय मर्यादाएं इसका बिल्कुल इजाजत नहीं देती हैं। उन्हें सूचना देनी चाहिए थी, छत्तीसगढ़ सरकार चाहती तो उनको नोटिस देकर भी बुला सकती थी। मैंने मध्य प्रदेश के DGP को कहा है कि तत्काल छत्तीसगढ़ के DGP से बात करें कि ये क्या तरीका है उनका गिरफ्तारी का, ये तरीके पर आपत्ति व्यक्त करना है, अपना विरोध दर्ज कराएं और स्पष्टीकरण भी लें। बयानों की फहरस्त, आरोप प्रत्यारोप का दौर और साथ ही साथ विवादित बयान, इन सभी पर होगी चर्चा। मेरे साथ जुड़ेंगे BJP के प्रदेश प्रवक्ता दुर्गेश केशवानी, कांग्रेस प्रवक्ता नूरी खान जुड़ चुके हैं और कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण खारीवाल। सबसे पहले मैं BJP के प्रदेश प्रवक्ता की तरफ रुख करूंगी। दुर्गेश जी, BJP किस तरीके से इस गिरफ्तारी को देखती है? देखिए, जब महाराज कालीचरण ने अपशब्द को अपशब्द कहे तो निश्चित ही उनपे जो धाराओं पे जो केस जिस तरह से छत्तीसगढ़ पुलिस मध्य प्रदेश आती है, जो इंटरस्टेट प्रोटोकॉल होता है, जो संघीय ढांचा है, उसका पालन वो करना चाहिए था। और माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट किया कि इंटर स्टेट प्रोटोकॉल का उल्लंघन छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया, हमें गिरफ्तारी पर कोई आपत्ति नहीं है, पर जो तरीका
कांग्रेस की सरकार ने अपनाया है, बघेल सरकार ने अपनाया है, निश्चित ही उस पर कहीं ना कहीं एक नई परंपरा, उन्होंने नई परंपराओं को जन्म दिया है कि बगैर सूचना दिए किसी भी स्टेट में कोई भी पुलिस जाती है। अब उनको वहां पे जो जिस तरह से साढ़े सुबह अर्ली मॉर्निंग में पहुंच कर वो एक घर में घुस गए, वहां से उनको पकड़ा, अगर उनको वहां की पुलिस को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, उनके साथ चले जाना चाहिए था और वहां पे जो गिरफ्तारी हुई उसके बाद थाने में दर्ज करा के उनको निकल जाना चाहिए था। मध्य प्रदेश पुलिस भी मदद करती उनकी, पर जो जो तरीका उन्होंने अपनाया है उस पे आपत्ति। और माननीय गृह मंत्री जी का जो अभी बयान आया है, उन्होंने डीजीपी एमपी को बात करने के लिए कहा है कि अपनी आपत्ति दर्ज कराएं और छत्तीसगढ़ पुलिस ने अनान बनान में ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो जो धाराएं उन्होंने लगाई हैं प्रीति जी, वो धाराएं सब बेलेबल ऑफेंस हैं। बेलेबल ऑफेंस में आप नोटिस देके भी बुला सकते थे उनको। इस तरह से गिरफ्तारी करना कहीं ना कहीं के विवादों को जन्म देता है। तो पर राष्ट्रपिता के राष्ट्रपिता पर जो उन्होंने अशोभनीय टिप्पणी की थी उसमें तो सीधे गिरफ्तारी ही करनी चाहिए थी, रायपुर से भाग गए थे वो तो। देखिए प्रीति जी, अभी मैंने स्पष्ट किया, हम गिरफ्तारी के विरोध में नहीं है जी, जो तरीका अपनाया हम उसके विरोध में है। गिरफ्तारी उन्होंने जिन जिन जो धाराएं लगाई, फिर उन्होंने ऐसी धाराएं क्यों लगाई जो बेलेबल ऑफेंस है, उनको धाराएं पहले ही कार्रवाई करनी चाहिए थी उसमें कि अनबेलेबल ऑफेंस वो धाराएं लगाई जाती, पर उन्होंने बेलेबल ऑफेंस की धाराएं इस पे जो जो उन्होंने लगाई है उसमें नोटिस देकर भी बुलाया जा सकता था, मध्य प्रदेश की पुलिस को कॉन्फिडेंस में लेकर भी जाया जा सकता था, पर इन चीजों को न करके उन्होंने एक संदेह उत्पन्न किया है और निश्चित रूप से उस पे हमारी आपत्ति है। नूरी जी, आपके आपकी सरकार के ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि इंटर स्टेट प्रोटोकॉल का उल्लंघन है ये। गृह मंत्री ने आज सुबह बयान जारी किया है और उन्होंने कालीचरण की इस गिरफ्तारी को लेकर भी बयान दिया है कि इंटर स्टेट एक संघीय ढांचे का उल्लंघन है। क्या कहेंगे, आपकी सरकार है वहां पर? देखिए, बड़ा ही आश्चर्यजनक बयान मुझे गृह मंत्री द्वारा सुनाई दिया है जी। रायपुर के टिकरापारा थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 505(2) यानी कि दो वर्गों के बीच शत्रुता, घृणा या द्वेष पैदा करना जी। और साथ ही धारा 294 के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये इंटर स्टेट प्रोटोकॉल उल्लंघन की बात कर रहे हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। महात्मा गांधी के खिलाफ जो बयान दिया गया है वो देशद्रोह और राष्ट्रद्रोह का मामला बनता है। हमारे देश के प्रोटोकॉल को तोड़ा गया है। क्या किसी स्टेट का प्रोटोकॉल देश के प्रोटोकॉल से बड़ा होता है? क्या ये मामूली बयान है कालीचरण का? तो कालीचरण के बयान को जिस तरीके से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लिया है, यहाँ पर साफ नजर आता है कि गृह मंत्री नहीं चाहते थे कि कालीचरण की गिरफ्तारी हो। यानी कि गृह मंत्री का ये भी स्पष्टीकरण नहीं आया है कि क्या महात्मा गांधी जी के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करना शोभनीय है? क्या उन्हें खुद कालीचरण पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कालीचरण का मुख्य ठिकाना इंदौर है, इंदौर के एक आश्रम से ये सारी गतिविधियां संचालित करते हैं। ऐसे में अब तक तो गृह मंत्री जी को उनके ठिकानों पर छापे मारने चाहिए थे। और ये गिरफ्तारी शर्म की बात है कि रायपुर पुलिस को करनी पड़ी, जबकि ये गिरफ्तारी नरोत्तम मिश्रा की पुलिस को करनी चाहिए थी। तो ये साफ हो गया है कि ऐसे नफरत भरे बयान देने वालों के साथ भारतीय जनता पार्टी, जो कि सीधे सीधे मैं पूछना चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी स्वयं जब साबरमती आश्रम जाकर अपना माथा टेकते हैं, तो फिर उसके बाद कालीचरण का ये बयान आता है और ये स्टेट प्रोटोकॉल की बात करते हैं। यहाँ पर देश का प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है और इन्हें शर्म आनी चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए, वरना इनका जो असली चेहरा है वो जनता के सामने साफ नजर आ रहा है। डॉक्टर दुर्गेश, आप किस सरकार पर आरोप लगा रही हैं कि ये आप लोगों ने इस तरीके के जो बयान जारी किए हैं, ये अशोभनीय, इंटर स्टेट राष्ट्रपिता पर टिप्पणी की गई है, अशोभनीय है, ये देश की नहीं, इंटर स्टेट में कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी, आप किस सरकार को आना चाहिए? क्या लोकतांत्रिक, या फिर कहें कि जो संघ है आपका, प्रशासन की जो तंत्र है, सूचना तंत्र, वो इतना कमजोर है? देखिए, मुझे लगता है कि नूरी जी जिस तरह से बात कर रही है, पहली बात तो ये जब बातें करती है मीडिया के समक्ष आके उसके बाद ये वापस ले लेती है अपनी बातों को, इसके लिए वो प्रचलित है। एक चीज हमने माननीय गृह मंत्री ने निश्चित रूप से इस चीज को स्पष्ट किया, हमें गिरफ्तारी पर कोई आपत्ति नहीं है।
उन्होंने उन्होंने राष्ट्रपिता के बारे में जो अपशब्द कहे हैं उस पर उनको गिरफ्तार होना चाहिए, ये उन्होंने भी स्पष्ट किया है। पर जो तरीका था, ये नूरी जी विषय से भटक के सब बातें कर रही हैं, पर क्या वो तरीका जायज था? ये जो 505 धारा जो गिना रही हैं नूरी जी, जो रायपुर के थाने में दर्ज हुई है, क्या वो बेलेबल ऑफेंस नहीं है क्या? आपको जब जब ये तो आपकी सरकार की कलह खोलती हुई नजर आ रही है कि जब राष्ट्रपिता पर ऐसी टिप्पणी की जाती है और आप धाराएं भी सही से नहीं लगा पाते हैं। हमारी आपत्ति सिर्फ इस बात पे है प्रीति जी, इनको भी समझ लेना चाहिए उस बात को, और कांग्रेस के नेताओं को भी समझ लेना चाहिए। एक एक संघीय ढांचे में प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल एक इंटर स्टेट के बीच में होता है कि अगर आप किसी भी थाने में जाते हैं किसी दूसरे प्रदेश के, तो आप उस संबंधित थाने को सूचित करते हैं, को अपने साथ रखते हैं, और उसके बाद जब आप उस आदमी को गिरफ्तार करते हैं, किसी भी अपराधी को जब गिरफ्तार करके आप अपने साथ ले जाते हैं, तो उस थाने में उसको दर्ज किया जाता है। हमारी आपत्ति सिर्फ कानून को लेकर है कि कानूनन जिस चीज का पालन होना चाहिए वो कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया है। हमारी इस बात पर आपत्ति बिल्कुल भी नहीं है कि कालीचरण जी ने महात्मा गांधी जी पर जो अपशब्द कहे उस पर उनको गिरफ्तार किया नहीं किया। हमारी आपत्ति इस बात पे है जो तरीका उन्होंने अपनाया वो गलत है। नूरी जी, आप इस चीज का जवाब दीजिए। ये बोल रहे हैं कि वहां पे जो धाराएं लगी हैं वो गलत है। नूरी जी, नूरी जी, आपको मेरी आवाज आ रही हो तो जवाब दीजिए प्लीज। महात्मा गांधी जी का जो अपमान किया है, क्या नरोत्तम मिश्रा जी और इनकी पार्टी के प्रवक्ताओं का अपमान नहीं है? क्या ये महात्मा गांधी जी को नहीं मानते हैं? क्या ये राष्ट्रपिता का सम्मान नहीं करते हैं? अगर करते हैं और इन्हें लगता है कि धाराएं गलत लगी हैं, तो क्यों ये विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज नहीं कर रहे हैं? ये तो राष्ट्र का मामला है, और क्या मध्य प्रदेश राष्ट्र से अछूता है? ये किस तरीके से स्टेट प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं जब देश के प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है? मुझे ये समझ में नहीं आता कि ऐसे लोगों के बचाव में आखिर भाजपा क्यों खड़े हो जाती है, क्योंकि साफ नजर आ रहा है कि कालीचरण को संरक्षण देना चाहती है मध्य प्रदेश की सरकार, और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। डॉक्टर दुर्गेश, आपके ऊपर ये नूरी जी ने वार किया है कि आप लोग बचाना चाहते हैं कालीचरण को, बीजेपी बचाना चाहती है, और धारा नहीं लगा रही है कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। देखिए प्रीति जी, भारतीय जनता पार्टी किसी को बचाना नहीं चाहती है। जो जो कानूनन धाराएं इन्होंने लगाई हैं, पहले तो वो धाराएं कमजोर थी, उन धाराओं में नोटिस देकर भी किसी को बुलाया जा सकता है और वहीं से भी जमानत दी जा सकती है। पर इन्होंने जिन धाराओं में उनको गिरफ्तार करके और जो 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 ये छवि बनाने की बात कर रहे हैं अपनी, की जिस तरह से उन्होंने रातों रात आके 3:30 बजे किसी के घर के दरवाजे खटखटाए गए, दरवाजे घुस गए, अगर कोई अप्रिय घटना हो जाती तो फिर किसको जवाब देते ये लोग? और महात्मा गांधी जी को लेकर ये राजनीति बिल्कुल न करें। ये लोग चित्र को अपनाने वाले और हम लोग चरित्र को अपनाने वाले लोगों में से हैं। भारतीय जनता पार्टी महात्मा गांधी जी के चरित्र को अंगीकार करती है। फिर आप देखिए हमारे हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी स्वच्छता मिशन को एक स्वच्छता को एक मिशन के रूप में उन्होंने स्थापित किया, और पूरा देश आज सभी शहरों को एक होड़ मची हुई है कि कैसे कैसे स्वच्छता में हम आगे आए। शराबबंदी अनेकों अनेक चीजों को हमने महात्मा गांधी जी के अंगीकार किया है, पर ये सिर्फ और सिर्फ चित्र को अंगीकार करने वाले लोग समझ नहीं पाएंगे। इनको आपत्ति नरोत्तम मिश्रा जी की बात से कि उन्होंने जो उनकी सरकार है कांग्रेस की उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया है, किस तरह से घुसपैठियों की तरह घुसे हैं वो लोग और इससे इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। मुझे लगता है कि जो संघीय ढांचा है उसका सभी सरकारों को पालन करना चाहिए। इंटर स्टेट प्रोटोकॉल जो होता है, जो संघीय राज्य में जो प्रावधान है उनको अक्षरशः पालन करना चाहिए। और अगर ऐसी धाराएं लगा के जो अवेलेबल है उसमें आप ये क्या दर्शाना चाहते हैं? अभी उनकी थाने में बेल हो जाएगी वहां पे, तो ये कहीं ना कहीं इस चीज को हमारी आपत्ति उस चीज पे है। और जो जो राष्ट्रपिता की जो जो अपशब्द कहेगा निश्चित रूप से उसको सजा मिलनी चाहिए। इस बीच हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण खारीवाल भी जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, आपकी तरफ रुख करूंगी जी। कहीं ना कहीं भाजपा समर्थन में नजर आ रही, क्योंकि कोई भी नेता बोलने को तैयार नहीं, एक भी बयान जारी नहीं कर रहे, और उसपे ऊपर आपत्ति भी दर्ज कर दी है कि जो इंटरस्टेट प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया है। तो क्या ये जो है विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो स्टैंड लिया है, मुझे लगता है कि वो गैर जिम्मेदाराना है जी। सवाल है, देखना यह चाहिए कि जो अपराध हुआ है क्या कोई बेगुनाह को गिरफ्तार किया गया है क्या। जब गुनाह अपने को साफ साफ दिख रहा है कि किसी व्यक्ति ने राष्ट्रपिता को सरेआम गाली दी है और उसके बाद दो दिन बाद उस बात को उन्होंने फिर से विस्तार से दोहराई है होटल के कमरे में बैठ के, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी बेगुनाह के साथ कोई पुलिस ने कार्रवाई करी है और उस पे बचाव की बात हो रही है। हाँ, यदि कोई बेगुनाह होता उसे कोई दूसरे राज्य की पुलिस पकड़ के ले जाती। अब एक अपराधी को पकड़ने के लिए ठीक है, एक इंटर स्टेट पॉलिसी बनी है, लेकिन उसका कोई ये अर्थ नहीं है कि पुलिस ने उनको सूचना दी ही नहीं। पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस ने कहा कि हमने जासूस लगा रखे थे और हमें खबर मिली यहाँ पे है, हमने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद हमने पुलिस को सूचना दे दी और हम लेके निकल गए, उन्हें आज शाम को कोर्ट में पेश कर रहे हैं। तो कोई बहुत ज्यादा कानून का उल्लंघन नहीं हुआ मुझे लगता है, लेकिन अब चूंकि वो भगवाधारी हैं इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ताबड़तोड़ तो उस बात का पक्ष ले लिया। लेकिन ये देखना चाहिए कि जिस आदमी ने इतनी निंदनीय बात करी, गैर जिम्मेदाराना बात करी और किस मंच पर करी, वो एक धर्म संसद थी, उसमें गांधी गोडसे पर बात करने का कोई सवाल ही नहीं था। तो मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ की पुलिस ने कोई अचरज भरा काम करा है। हाँ, मैं और उल्टा साधुवाद देना चाहूंगा कि इस तरह के यदि मुकदमे कायम हुए हैं तो उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया। नहीं तो देखा जाता है कि इस तरह के मामलों में मुकदमे तो कायम कर लिए जाते हैं लेकिन दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती सालों तक। तो कम से कम आज ये एक संदेश जाएगा कि भैया इस तरह से यदि भारत के देश में, गांधी के देश में गांधी की निंदा की जाएगी तो उसके खिलाफ न केवल मुकदमा कायम होगा बल्कि उस पर कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र की पुलिस ने भी मुकदमा कायम करा है, तो मुझे लगता है कि अब कुछ दिन तो इन्हें जेल में ही बिताने पड़ेंगे, छत्तीसगढ़ और उसके बाद महाराष्ट्र। ठीक है प्रवीण जी, क्या आने वाले वक्त में अगर यहाँ पे हो जाती है कार्रवाई हो जाती है तो क्या आने वाले वक्त में या फिर राष्ट्रपिता हो, राष्ट्रपति हो या कोई सम्मान्य व्यक्ति हो तो उन पर टिप्पणी करने से क्या लोग बचेंगे? देखिए, पूरे देश में कोई कितना भी गांधी विरोधी हो लेकिन वो कभी भी इस बात को जस्टिफाई नहीं करता है कि गांधी जी की हत्या बेहतर कदम था या गोडसे ने ठीक कदम उठाया था, क्योंकि गोडसे को भारत का पहला आतंकवादी माना जाता रहा है और सदियों तक माना जाता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेताओं ने आज अनौपचारिक बात में इस बात को कहा है कि भाई किसी भी सूरत में गांधी जी की हत्या को उचित नहीं ठहरा सकते हैं। अब ऐसे में यदि कोई भगवाधारी, वस्त्रधारी, गैर जिम्मेदाराना बात करता है तो इसको उनका मानसिक दिवालियापन ही कहा जाएगा। मतलब चूंकि वो उनका ताल्लुक मध्य प्रदेश से है, विशेषकर इंदौर से है, इंदौर में वो कालीचरण महाराज लंबे समय से ठिकाना बनाए हुए है अपना, तो मुझे लगता है कई बार आदमी लाइम लाइट में आने के लिए भी इस तरह के उलझुल बयान देकर कोशिश करता है कि वो एकदम से लाइम लाइट में आ जाए। तो मुझे लगता है कि इस कोशिश को इससे ज्यादा नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि उनका कोई बहुत बड़ा समर्थकों का हुजूम नहीं है, उनका कोई बहुत बड़ा आश्रम नहीं है। तो आदमी सोचता है कई बार कि कैसे हम लाइन लाइट में आए, और जब मुंह से कोई गलती से भी यदि कोई चीज निकल गई है तो भाई बेहतर होता अगले दिन वो क्षमा मांग लेते वीडियो डाल के, तो एक बार देश और समाज उन्हें माफ भी करता। लेकिन उनने उल्टा 20 मिनट का वीडियो बनाया और वापिस से उन्हीं बातों को दोहराया और कहा कि मैं किसी भी रूप में माफी नहीं मांगूंगा। तो मुझे लगता है कि अब कानून अपना काम करेगा और न्यायालय भी उन्हें जमानत देने से बचेगा। जब आपने कह दिया है कि मैंने जो कहा है वो जिम्मेदारी से कहा है, तो मुझे लगता है कि दो राज्यों की जेलों में उन्हें हवा तो खानी ही पड़ेगी। नूरी जी, आपकी तरफ रुख करूंगी। नूरी जी, छत्तीसगढ़ सरकार पर लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है कि वहां पे ये कार्यक्रम हुआ था, धर्म संसद वहां आयोजित हुई थी, तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी, आपकी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए थी, प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए था, वहां पे ये सब होना चाहिए था, जबकि वहां से वो फरार हो गए। धर्म संसद इस देश के किसी भी कोने में आयोजित हो, मैं आपसे बोल रही हूँ जो एंकर महोदया है, आप खुद इस बात को समझिए
कि धर्म सभा कहीं पर भी देश के किसी भी कोने में आयोजित हो, लेकिन राष्ट्रपिता किसी राज्य या समुदाय विशेष के नहीं है। राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी जी इस पूरे देश के हैं। या तो बीजेपी इस बात का खंडन कर दे या स्पष्टीकरण कर दे कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी साबरमती आश्रम में जाकर महात्मा गांधी जी का जो सम्मान करते हैं या तो वो ढोंग और दिखावा है, और या फिर ये कह दे कि हाँ महात्मा गांधी जी पर इस तरह के शब्द कहने से हमें भी तकलीफ पहुंची है, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं। ये स्टेट प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं। अरे जो विकास दुबे उत्तर प्रदेश का जब मध्य प्रदेश में पकड़ा गया था तब स्टेट प्रोटोकॉल कहाँ था? जब आशाराम बापू को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया तब स्टेट प्रोटोकॉल कहाँ था? आज स्टेट प्रोटोकॉल की बात सिर्फ इसलिए आ रही है क्योंकि जो गोडसे की विचारधारा को ये लोग प्रफुल्लित कर रहे हैं, उस विचारधारा के लोगों को खुश करना चाहते हैं। और गृह मंत्री का बयान साफ नजर आ रहा है कि गोडसे की विचारधारा को इस देश में हावी करना चाहते हैं। अदरवाइज अगर वो कहीं से भी पकड़ा गया, लेकिन मुजरिम था, सहयोग करना चाहिए था रायपुर पुलिस को। और तो और ये नोटिस की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये कार्यक्रम वहां आयोजित किया गया था, जहर कहीं पर भी उगला गया हो, राष्ट्रद्रोह कहीं पर भी किया गया हो, लेकिन किया गया है। और इन्हें यहाँ पर और धाराएं लगानी चाहिए, उसके ठिकानों को अब तक नस्ते नाबूद कर देना चाहिए था, बुलडोजर चला दिए जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कोई काम भाजपा ने नहीं किया है। ये उनके बचाव में उतर आए हैं, ये गोडसे की विचारधारा की बात कर रहे हैं और उसका समर्थन कर रहे हैं। डॉक्टर दुर्गेश, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? जिस तरीके से नूरी खान लगातार भाजपा पे प्रहार करती जा रही है और ये भी कह दिया है कि प्रधानमंत्री अगर ये बोल देते कि राष्ट्रपिता की जो अपमानजनक हुई है उसके लिए हम भी शर्मिंदा है, तो क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी को समर्थक बता रही है भगवा का। मुझे लगता है पहले इनको जानकारी लेनी चाहिए कि बाबूलाल चौरसिया को जो इन्होंने कांग्रेस में सदस्यता दिलाई है वो किसके अनुयायी हैं और किसके वो हैं। ये सिर्फ इनकी कथनी और करनी का अंतर है। हमने तो कभी भी इस बात से आपत्ति नहीं की, जो भी अपशब्द कहे हैं उसको निश्चित रूप से सजा मिलनी चाहिए। ये शायद विषय को समझ नहीं पा रहे हैं जो आपके यहाँ पे पैनल में लोग बैठे हैं। वो स्पष्ट रूप से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने स्पष्ट किया है कि हमें गिरफ्तारी पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रीति जी फिर सुन लीजिए इस बात को, पर जो तरीका अपनाया गया है उस पे हम बात कर रहे हैं। पर वो तो ये बोल रही है ना कि जब आशाराम बापू हुए थे गिरफ्तार तब कहाँ था प्रोटोकॉल, और उसके बाद उन्होंने ये भी बोला है कि यूपी में जब गिरफ्तारी हुई थी तब भी प्रोटोकॉल कहाँ था? तब तो नहीं था, आज आ गया प्रोटोकॉल। देखिए प्रोटोकॉल के तहत ही कार्रवाई की जाती है और सब कार्रवाई उन्हीं के तहत हुई है, फिर उसपे भी आपत्ति उठनी चाहिए थी। उस प्रोटोकॉल पे कभी कोई आपत्ति नहीं उठी। अब आप गलत हो गए तो इनको सब चश्मे में वो गलत दिखने लग गए। ये कांग्रेस का चरित्र ही असली चरित्र ये है। हमारी सीधी साधी सिर्फ इस बात पर बात है प्रीति जी कि जिस तरह से गिरफ्तारी की गई है, इंटर स्टेट प्रोटोकॉल होता है। आपके वरिष्ठ पत्रकार भी यहाँ पे इस चीज को मान रहे हैं, वो भी मान रहे हैं कि कानून की अवहेलना हुई है। हम कानून के पक्षधर हैं, हम कानून की बात कर रहे हैं। दुर्गेश जी, शायद आपकी कॉन्टैक्ट हमसे टूट गया है। मैं वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण कार्यवाल जी की तरफ बढ़ूंगी। प्रवीण जी, क्या ये पब्लिसिटी स्टंट माना जा सकता है? क्योंकि 2017 में कालीचरण ने निकाय चुनाव लड़ा था, वहां वो हार गए थे, वापस आने के लिए पब्लिसिटी में। मैंने वही कहा है कि इंदौर में उनका आश्रम है और ऐसा कोई बहुत बड़ा उनका कल्ट या समूह नहीं है, तो आदमी कई बार कोशिश करता है कि वो किस तरह से लाइमलाइट में आए, क्योंकि अभी एक शिव तांडव स्त्रोत वो गाते हैं, इसके अलावा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है, है ना? तो मुझे लगता है कि लाइमलाइट में आने के लिए, और चूंकि इंदौर इस समय संतों के लिहाज से खाली है और महाराष्ट्र से ये लोग आए हैं, कालीचरण, और उन्हें लगता है कि भैयू महाराज के दिवंगत होने के बाद एक महाराष्ट्रीयन संत की गुंजाइश इंदौर में बनी है, तो मुझे लगता है कि वो एक लाइमलाइट में आने के लिए उन्होंने कोशिश करी है, और इससे ज्यादा मैं नहीं समझता कि कोई उनका मुद्दा रहा होगा, क्योंकि यदि गलती से ये सोमवार निकल जाते हैं तो आदमी अगले दिन माफी मांग सकता था, गुंजाइश थी, लेकिन उन्होंने वीडियो जारी करके 15 मिनट का फिर इस बात को दोहराया है, तो उससे यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि उनके दिलो दिमाग में जो था वही जुबान पे था और वही उन्होंने किया है। मुझे लगता है
की एक रणनीति के तहत उन्होंने ये बात बोली है और उसका फायदा वो सोचते हैं कि भविष्य में उनको किसी न किसी संगठन या किसी राजनीतिक दल के समर्थन के रूप में मिले। तो मुझे लगता है इस देश की जनता और राजनीतिक संगठन परिपक्व है, वो किसी भी रूप में इसको तरजीह नहीं देंगे इनकी बातों को। तुर्केश जी, आपसे मेरा और कांग्रेस प्रवक्ता नूरी खान दोनों से ये सवाल है कि लगातार जो छत्तीसगढ़ में मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं, वहां पे आरपी सिंह ने ये बयान जारी किया है कि बीजेपी ने ये पूरी तरीके से सोची समझी साजिश रची है, वहां पे धर्म संसद में बुलाना, वहां पे करना, पर सरकार तो कांग्रेस की है। नूरी जी, पहले आप जवाब दीजिए। सरकार कांग्रेस की है तभी तो धाराएं लगी हैं, वरना ये तो धाराएं भी नहीं लगाते। ये साफ स्पष्ट साफ नजर आ रहा है कि संरक्षण दिया जा रहा है। सरकार कांग्रेस की तभी गिरफ्तारी भी हो चुकी है, वरना ये तो गिरफ्तारी के बाद स्टेट प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं। दुर्गेश शर्मा जी बताएं कि राष्ट्र प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है या नहीं, ये राष्ट्रद्रोह है या नहीं। अगर कालीचरण की जगह किसी और ने ये गुस्ताखी की होती तो अब तक उसके साथ ये पुलिस क्या व्यवहार करती। असाधारण गुंडों के घरों पर बुलडोजर चला दिए जाते हैं, ये कालीचरण की गुंडागर्दी है, उसके ठिकानों पर बुलडोजर चलाने चाहिए और कड़ी धाराएं लगानी चाहिए। इस तरीके से वो कह रहा है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि इसके पीछे भाजपा का हाथ था। बिल्कुल, भाजपा इस तरीके के नफरत वाले लोगों को बढ़ावा देना चाहती है। शर्म आनी चाहिए दुर्गेश जी को भी और नरोत्तम मिश्रा जी को भी। दुर्गेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार आप पे कांग्रेस प्रवक्ता प्रहार करती जा रही हैं? मुझे लग रहा है उनको विषय ही क्लियर नहीं है, वो किस विषय पे जाके बात कर रही हैं। जो बात हम कह रहे हैं उनको शायद समझ नहीं आ रही, वो राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रही हैं इसलिए ऐसी बातें करती हैं। और इनकी बातों को तो वैसे भी कोई गंभीर नहीं लेता है, गंभीरता से कभी ये अपने ही नेताओं पे आरोप लगा के खड़ी हो जाती हैं, फिर थोड़ी देर में वापस कर लेती है। तो मुझे लगता है इन चीजों से हटके इनको बात करनी चाहिए। राष्ट्रद्रोह अगर इनकी सरकार वहां पे अगर कार्रवाई की इच्छा होती उनकी तो सख्त धाराओं में कार्रवाई कर सकती थी, पर सब अवेलेबल धाराएं लगाई हैं। जो वहां पे आयोजक थे उन पे उनके खिलाफ इन्होंने क्या किया, कुछ नहीं किया। ये सिर्फ मुंह की जबानी खर्ची करते हैं और चैनलों पे जो आप स्पेस देते हैं उस पे कांग्रेस बात करती है, इसीलिए कांग्रेस से सभी प्रदेश में भी लोगों का मोह भंग हो चुका है और केंद्र में भी। इनकी कथनी और करनी में अंतर है। एक तरफ ये बाबूलाल चौरसिया जो हिंदू महासभा के हैं, बाबूलाल नाथूराम गोडसे जी की पार्टी उनको अपनी अपने कांग्रेस पार्टी में शामिल करते हैं, दूसरी तरह से ये बातें करते हैं। देखिए, हमने स्पष्ट कर दिया इस बात को कि हम तो बोल रहे हैं कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? जो भी ऐसे आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं तो क्या देशद्रोह की धाराएं लगनी चाहिए उनके ऊपर? उसपे जो धाराएं उन्होंने लगाई है उनके वहाँ पे FIR दर्ज हुई है। उन्होंने जो हमारी सिर्फ आपत्ति सिर्फ इस बात पर है प्रीति जी, आप भी समझ लीजिए और इनको नूरी जी को भी समझा दीजिए कि जो इंटर स्टेट प्रोटोकॉल के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, ये एक गलत परंपरा की शुरुआत कांग्रेस की सरकार ने की है। निश्चित ही एक गलत 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 उन्होंने एक बीज बोया है। तो निश्चित ही आने वाले हमने माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट डीजीपी साहब को निर्देश दिए हैं कि वहां के डीजीपी को अपनी आपत्ति दर्ज कराएं। कानूनन जो सही हो, कानून को हर आदमी को कानून का सम्मान करना चाहिए, फिर चाहे नूरी खान हो, चाहे डॉक्टर दुर्गेश केसवानी हो, चाहे खारीवाल जी हो, हर आदमी को कानूनन कानून का पालन करना चाहिए। कानून के अंतर्गत सबको बात करनी चाहिए और उनको भी वही करना चाहिए था, कानून को आगे रख के उनको अपने थाने में सूचित करते। हम तो बिल्कुल भी विरोध नहीं कर रहे हैं इस चीज का कि गिरफ्तारी क्यों की, हम तो सिर्फ। तो दुर्गेश जी, मेरे एक सिंपल सा सवाल है, अगर देशद्रोह की धाराएं लगती हैं तो क्या भाजपा को कोई आपत्ति नहीं होगी? जी, फिर से क्वेश्चन दोहराएंगे आप? क्या अगर देशद्रोह की धाराएं कालीचरण पे लगती हैं तो भाजपा को कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि लगातार कांग्रेस तो बोल रही है कि देशद्रोह की धाराएं लगाओ और गिरफ्तार करो। देखिए, लगाएंगे उन्हीं के यहाँ पे लगेंगी ना, उनके यहाँ पे जहाँ पे गिरफ्तार हुए हैं वहाँ पे, जहाँ पे किया है रायपुर में, पहले क्यों नहीं इन्होंने उस समय ही क्यों नहीं ये धाराएं उन्होंने वो की? अब चैनलों पे बैठ के स्पेस पाने के लिए बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं। जो कथनी है वो आप देख रहे हैं और जो करनी है वो भी आप ही देख रही हैं प्रीति जी। ये जो कह रही हैं तो इनकी सरकार में किसने रोक लिया इनको जाके की धाराएं मत लगाओ? सब चीजें कानून के दायरे में रह के ही होती हैं और कानून के सबको कानून का सम्मान करना चाहिए। हमारी इतनी बात है कि कानून का सम्मान करना चाहिए, क्या कांग्रेस नहीं चाहती कि कानून का सम्मान हो?
ठीक है, मैं इस बीच प्रवीण जी की तरफ बढ़ना चाहती हूँ। प्रवीण खारीवाल, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये कांग्रेस और भाजपा बीच में कालीचरण राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, पर इस बीच हिंदू की तो बदनामी हो रही है, सनातन धर्म की बदनामी हो रही है, क्योंकि सनातन तो ये नहीं सिखाता ना कि किसी भी धर्म संसद में जाओ और गाली बक के आ जाओ, किसी भी सम्मानित इंसान को। बिल्कुल, ये बात तो है ही कि जो धर्म संसद का आयोजन हुआ है उसमें जिस चयन समिति जो होती है, जो चयन करती है कि किन किन धर्म प्रमुखों को बुलाना चाहिए या किन साधु संतों को बुलाना चाहिए, उन पे भी एक तरह से उंगली उठ रही है कि भाई आपने इनका आधार किस आधार पर करा, इंदौर के ये संत हैं, छोटे से मोहल्ले में रहते हैं, मतलब इनकी क्या उपलब्धि कि आपने धर्म संसद जैसी बड़ी जगह पर इनको आमंत्रित किया है। इंदौर में और भी कई प्रतिष्ठित संत हैं, अण्णा महाराज हैं, इस तरह कई संत हैं इंदौर में जो सादगी वाले हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, लेकिन इनका चयन किस आधार पर किया गया? मुझे लगता है साधु संतों के देश में कई आयोजन होते हैं जिसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि भगवाधारी वस्त्र उन्होंने धारण करे हैं। एक संत का मैं जिक्र करना चाहूंगा, भोपाल में पिछले चुनाव में खूब सक्रिय रहे हैं, उनकी उपलब्धि ये थी कि उनके आह्वान पर 100, 200, 500, 700, 1000 संत तक इकट्ठे हो जाते थे। अब उन भगवाधारियों में संत कितने होते थे, साधु कितने होते थे, ये एक हमेशा शोध का विषय रहता था। लेकिन उनकी यूएसपी ये थी कि वो कंप्यूटर बाबा कि भैया वो 200-500 लोग ले आएंगे और बड़ा आयोजन कर देंगे, तो एक समाज को एक दिखता था कि इतने लोग इनके साथ है, लेकिन उसमें असली लोग कितने हैं। और यही बात मेरी कहना है कि धर्म संसद जो हुई उसमें जो साधु संत आए, भाई उनका क्या स्तर है, वो सम्माननीय संत है भी या नहीं, या उनकी बात को समाज मानता भी है या नहीं, ये जरूर देखा जाना चाहिए। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक ये नहीं कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जो प्रक्रिया है उसका विरोध कर रही है, भारतीय जनता पार्टी ने भी अभी तक ये नहीं कहा है कि भाई जो उनने बात कही है उनसे हम सहमत हैं। तो मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर का पटाक्षेप होना चाहिए, क्योंकि मुकदमा कायम हुआ, उन्होंने कहा मुकदमा कायम हुआ और गिरफ्तारी हो गई है। मुझे लगता है कि एक आदमी ने जुर्म करा है और उसको उसका दंड मिल रहा है और शाम को न्यायालय में उनको पेश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस पर बहस की बहुत गुंजाइश नहीं है। आपने सजग अपराध करा है, आपके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ, पुलिस को मैं बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुलजिम को पकड़ लिया है। अब ये अलग बात है कि कौन सी जमीन से पकड़ा, इधर से पकड़ा, उधर से पकड़ा, मध्य प्रदेश से पकड़ा, छत्तीसगढ़ से पकड़ा, ये कोई बहुत ज्यादा, क्योंकि कानून जो है हमारे देश का वो लगभग समान है, एक आचार संहिता जरूर है लेकिन वो अपराधियों के लिए कोई आचार संहिता नहीं होती है। हमने भी देखा है कि उत्तर प्रदेश के कुख्यात गुंडे को मध्य प्रदेश लाया गया, फिर यहाँ से पकड़ा गया और फिर रस्ते में उनके साथ क्या हुआ, सबको सब मालूम रहता है। तो अपराधियों के साथ कोई बहुत मुरव्वत करने की गुंजाइश नहीं हो, और ये तो सरेराम और गैर जिम्मेदाराना अपराध किया है इन्होंने, इनके खिलाफ जो भी पुलिस ने कार्रवाई करी है वो उचित है। और भारतीय जनता पार्टी को भी कहना चाहिए कि इस तरह के संवादों को समाज में जगह नहीं है, इसलिए अब चूंकि गिरफ्तार हो गए हैं और कोर्ट में पेश कर ही रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस बहस को विराम देना चाहिए। आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए जुड़ने के लिए। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता दुर्गेश केशवानी से, कांग्रेस प्रवक्ता नूरीकांत से और वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण खारीवाल से, आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से कालीचरण ने बयान जारी किया, महात्मा गांधी पर विवादित टिप्पणी दी, उसके बाद खजुराहो से अल सुबह 4 बजे गिरफ्तार हुआ, उसके बाद गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आपत्ति दर्ज कर दी, उस पर कांग्रेस के बयान सामने आ गए। इसका मतलब राजनीतिक रोटियां दोनों तरफ से सेकी जा रही हैं, बीच में कालीचरण को फंसा के एक दूसरे पर गेंद मारी जा रही है। अब देखना बस ये होगा कि देशद्रोह की धाराएं क्या उन पर होती हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति पर उन्होंने विवादित टिप्पणी की है, जिस पर उन्होंने विवादित टिप्पणी की है, वो एक सम्माननीय राष्ट्रपिता है, देश के सर्वोच्च पद पर स्थापित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। अब बस सवाल ये है कि क्या देशद्रोह की धाराएं उन पर लगेंगी या मामले को यूं ही रफा दफा कर दिया जाएगा। फिलहाल इतना ही, बने रहिए एसीएन भारत पर। नमस्कार।